नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय हातोज में प्राध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम अध्याय 2 दृढ़ पिंड गतिकी के अंतर्गत द्रव्यमान केंद्र के संदर्भ में मुख्य तथ्यों का अध्ययन करेंगे। मुख्य तथ्य, द्रव्यमान केंद्र के संदर्भ में मुख्य तथ्य। नंबर 1, द्रव्यमान केंद्र पर भौतिक रूप से कोई द्रव्यमान उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर ये है, मान लीजिए ये एक वलय है, वलय अंदर से खोखला या एक खोखला गोला है, ये वलय और ये एक खोखला गोला, इनमें दोनों में द्रव्यमान केंद्र मध्य में है। जबकि वास्तव में यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर कोई द्रव्यमान नहीं है। इसका मतलब द्रव्यमान केंद्र पर भौतिक रूप से कोई द्रव्यमान उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। दूसरा पॉइंट, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति वस्तु की आकृति, आकार तथा द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करती है। अतः द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है और वस्तु के बाहर भी स्थित हो सकता है। तीसरा, नियमित आकार की वस्तुएं जिनका द्रव्यमान वितरण एक समान हो का द्रव्यमान केंद्र वस्तु की ज्यामितीय केंद्र या समिति केंद्र पर ही होता है। जैसे मान लीजिए ये एक समान है तो यहाँ मध्य में होगा, यहाँ पर एक मध्य में होगा, ये है। इसके बाद द्रव्यमान केंद्र की गति हमेशा स्थानांतरीय होती है। पांचवा, द्रव्यमान दी गई वस्तु के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करती है। मान लीजिए इस आकार की एक वस्तु है, ऐसे एक वस्तु है, तो जिस ओर द्रव्यमान अधिक होगा उस ओर ही द्रव्यमान केंद्र स्थित होगा। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निर्देश तंत्र की स्थिति पर निर्भर नहीं करती, ये निर्देश तंत्र हमने बनाया था, इसकी स्थिति पर निर्भर नहीं करती है द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। उदाहरण के लिए जैसा कि एक वलय का द्रव्यमान केंद्र उसके ज्यामिति केंद्र पर है, चाहे निर्देश तंत्र कहीं भी स्थित हो। सातवां, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति तथा वेग आंतरिक बलों के कारण परिवर्तित नहीं होते, यानी कि अपरिवर्तित रहते हैं। द्रव्यमान केंद्र बिंदु के सापेक्ष कण तंत्र के समस्त कणों का कुल द्रव्यमान आघूर्ण शून्य होता है। जैसा कि हमने अभी सिद्ध किया था कि द्रव्यमान केंद्र के तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान आघूर्ण हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। मान लीजिए I1 कण स्थित हैं तो स्थिति सदिश क्या होगी, m1 r I1, ये स्थिति सदिश होगी और द्रव्यमान आघूर्ण जो होगा वह सदिश, उसका योग जो है वह कुल शून्य होगा। द्रव्यमान केंद्र बिंदु के सापेक्ष कण तंत्र के समस्त कणों का कुल रेखीय संवेगी भी हमेशा शून्य होता है। हम जानते हैं रेखीय संवेग जो होता है वह द्रव्यमान गुणा वेग होता है, इसका मान भी शून्य होता है। यहाँ पर MIVI बता रखा है, ये माना है I वे कण है किसी पिंड के अंदर, उसके आधार पर जैसे कि हमने MN किया था, वहाँ पर N कण माने थे, यहाँ पर I कण मान रखा है। अब आता है दृढ़ पिंड गति की, किसे कहते हैं। यदि किसी पिंड पर बाह्य बल लगाएं तो उसके कण एक दूसरे के सापेक्ष समान रूप से विस्थापित होते हैं। जैसा कि हम कोई चीज़ डालें तो सभी कण समान, यानी कि उनके मध्य की दूरी जो है ना, इसका मतलब वो अपरिवर्तित रहे, इसे कहते हैं समान विस्थापित। का मतलब ये है कि मध्य की दूरी क्या रहेगी, जैसे समान विस्थापित होंगे तो दूरी तो समान ही रहेगी,
इसे हम तृण पिंड कहते हैं। यदि हम ये कोई चीज़ ऐसी चल रही है तो उनके मध्य के कणों के बीच की दूरी, सभी कण बराबर बराबर चलते रहेंगे, कणों के बीच की दूरी क्या रहेगी, असमान रहेगी, इसे दृढ़ पिंड कहते हैं। प्रकृति में कोई भी पिंड दृढ़ नहीं है, साधारण ठोस पिंड को ही हम दृढ़ पिंड मान लेते हैं। सामान्य रूप से दृढ़ पिंड तीन प्रकार की गति करते हैं, स्थानांतरीय गति, घूर्णन गति और लोटनी गति। सबसे पहले है स्थानांतरीय गति, किसे कहते हैं। यदि पिंड का प्रत्येक कण समान चाल से समानांतर दिशा में रेखा में विस्थापित होता है तो हम इसे रेखीय या स्थानांतरीय गति कहते हैं। दूसरी गति है घूर्णन गति। घूर्णन गति में पिंड अपने किसी स्थिर अक्ष के चारों ओर, ये एक स्थिर अक्ष है, इसके चारों ओर ऐसे चक्कर काटता रहे गति करता है। उसके समस्त कण अलग अलग त्रिज्या के वृत्तीय मार्गों पर चलता है। जैसे बहुत सारे कण हैं, एक कण, जैसा कि इसमें देखें आप, एक कण ये है, एक कण ये है, अलग अलग त्रिज्याओं से घूम रहा है, ये वाला कण अलग त्रिज्या, सबकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं, तो अलग अलग त्रिज्या के वृत्तीय मार्गों पर घूम रहे हैं सभी कण। इस प्रकार इस गति में कण संकेंद्रीय वृत्तों में, केंद्र यानी कि केंद्र तो सबका एक है, त्रिज्या तो अलग अलग है, केंद्र, वे कण जो घूर्णन गति पर स्थित हैं वे स्थिर होते हैं। जैसे लट्टू का घूमना, रेलगाड़ी के पहिए का घूमना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। लोटनी गति क्या है, घूर्णन के साथ साथ स्थानांतरीय गति भी होती है, इसे लोटनी गति कहते हैं। जैसा कि आपने देखा वो आजकल सूटकेस आते हैं जिस उसमें पहिए लगे रहते हैं, वो दोनों प्रकार की गति करते हैं। अब आता है कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक है विस्थापन, विस्थापन होती है सरल रेखीय गति जो करते हैं विस्थापन। कोणीय जब आएगा, जब कोई घूर्णन गति जब करता है कोई पिंड, जैसा कि आपको अभी बताया, इस तरह की किसी अक्ष के सापेक्ष यदि घूमता है इस प्रकार से, ये कहलाती है, जब इसमें जब विस्थापन होगा वह कोणीय विस्थापन कहलाता है। जैसा कि आप इस चित्र में एक पिंड दिखा रखा है, इस पिंड के अंदर यहाँ पर मूल बिंदु है ओ, इसके परित वह घूम रहा है। मान लीजिए हम चित्र से भी समझ सकते हैं, सिंपल एक चित्र से समझते हैं, ये एक कण है, इसका ये मूल बिंदु है, यहाँ पर ये कण इस तरह से घूम रहा है। तो कण शुरू में कहाँ था, इस यहाँ था स्थित, आर थी जब त्रिज्या, टी समय के बाद ए से ये पहुँचता है बी पर, टी वन हो गया, इसके बाद ये पहुंचता है यहाँ पर सी पर पहुंच गया। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें, ये जो ये है थीटा, इसको कहेंगे थीटा, कोण थीटा, ये वाला, ये क्या हो रहा है बार बार, ये कोण जो है थीटा ये परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर प्रत्येक कण की कोणीय स्थिति में समान रूप से परिवर्तन आ रहा है, कोणीय स्थिति यही तो है, कोण में परिवर्तन है, कोण स्थिति में समान रूप से परिवर्तन आ रहा है, इस परिवर्तन को ही कोणीय विस्थापन कहते हैं। ये है कोणीय विस्थापन, जैसा कि इस चित्र में दिखा रखा है, ये है कोणीय वाला, ये जो दिख रहा है थीटा जो है ये कोणीय विस्थापन है। तो एक पिंड में अपने अक्ष के परित घूर्णन गति कर रहा है, प्रत्येक कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, अर्थात प्रत्येक कण की कोणीय स्थिति में समान रूप से परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन को कोणीय विस्थापन कहते हैं, इसी को ही कोणीय विस्थापन कहा जाता है। अब कोणीय विस्थापन जो है इसको थीटा सी कहते हैं, थीटा कोण है जिसको कह रहे हैं, थीटा डेल्टा एस दूरी कितनी पार की इसने, ये वाली, जैसा कि अभी चित्र में बताया था, ये है ये कोण है ये वाला, और ये क्या है, इतना तो विस्थापन हुआ, S अपोन R, डेल्टा S अपोन R आ गया। तो कोण बराबर क्या होते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये चाप ही तो बना डेल्टा S चाप, और ये क्या है, ये त्रिज्या है, ये क्या है त्रिज्या है,
इस तरह से इसको लिख देंगे। अब कितना परिवर्तन आया इसमें, जैसा कि बता रखा है आप देखें, इसमें अभी बताया था ये वाले, ये बता रखा है यहाँ पे कितना परिवर्तन आया थीटा में। तो थीटा मान लीजिए समय जो है, जैसा इस चित्र में बताया था कि यहाँ पे शुरू में ये है, एक ए है, बी पे गया, यहाँ कोण थीटा थीटा वन था, यहाँ गया थीटा टू आ गया, ये समय टी वन था, ये समय टी टू आ गया। तो ओमेगा कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, थीटा क्या है विस्थापन, तो कोणीय विस्थापन है, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, जिसको ओमेगा के द्वारा दर्शाया जाता है। जबकि वहाँ क्या हम कोण वेग को क्या कहते हैं, वी, कोणीय वेग को ओमेगा कहते हैं। वहाँ विस्थापन बटे समय है, यहाँ पर कोणीय विस्थापन बटे समय है। परिवर्तन को हम डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी से दर्शा सकते हैं। हम बहुत कम मान लेते हैं ये परिवर्तन, यानी कि जो टी है वह परिवर्तन बहुत कम है, तो हम लिमिटेशन लगा देंगे, तो यहाँ पर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी के स्थान पर डी थीटा अपॉन डी टी लिख सकते हैं। ओमेगा किसी पिंड का आवर्तकाल हम जानते हैं टी है, कुल गोले का हम क्या मान लेते हैं, इसको टू पाई, इसको टू पाई, तो विस्थापन क्या होगा, टू पाई अपॉन टी। इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा कोणीय वेग। धन्यवाद, आगे हम फिर पढ़ेंगे अगले टॉपिक, अगले